कहते हैं कि हिम्मत हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर लेता है। ऐसा ही कुछ एक महिला ने कर दिखाया है। आज बेशक वे अपनी उम्र के 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनमें जोश व जुनून 21 का ही है। उन्होंने इस उम्र के पड़ाव में कई मेडल जीते हैं। जिंदगी को समय के लिए बेशक कैंसर जैसी बीमारी ने एक बार रोक दी, लेकिन हारी नहीं और डट के मुकाबला किया तो अब कैंसर को भी मात दे दी है। राजबाला, जिनका जन्म 1956 में दादरी जिले के झोझू कला में हुआ था, उनके पिता अध्यापक थे। उन्होंने कक्षा 9वीं-10वीं से ही खेलना शुरू कर दिया था। राजबाला ने अपने खेलने का शौक नहीं त्यागा। पति बैंक में नौकरी करते थे, साथ दिया और राजबाला मेडल पर मेडल बटोरती रही। अक्टूबर 1998 में 10वें एशियाई वेटर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया। खेलने के लिए जापान के ओकिनावा गई। वहां राजबाला ने हैमर थ्रो में रिकॉर्ड कायम कर दिया। डिस्कस थ्रो में द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया, शॉर्ट पुट में तीसरा स्थान प्राप्त किया और एक साथ 3 मेडल जीते। 1999 में 13वें वर्ल्ड वेटर्स एथलीट चैंपियनशिप गेट शेड इंग्लैंड में हुए तो उसमें भी भाग लिया और वह वहां से भी मेडल जीतकर ही वापस आई। वर्ष 2000 में बेंगलोर में 11 एशियाई वेस्टर्न्स एथलीट हुए, इसमें भी राजबाला ने हैमर थ्रो में फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। डिस्कस में द्वितीय व शॉटपुट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजबाला जीवन में हारी नहीं है। 1997 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक चले राष्ट्रीय वेस्टर्न एथलीट में डिस्कस थ्रो में प्रथम तो शॉटपुट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खूब उपलब्धियां मिली तो हर जगह सम्मान भी मिला। अचानक एक बार राजबाला का जीवन तब रुक सा गया जब 2008-09 में उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें कैंसर है, जिसके बाद उनका राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला। लेकिन राजबाला ने हिम्मत नहीं हारी और फिर कैंसर को भी हरा दिया। अब राजबाला ने कैंसर से भी निजात पा लिया और खूब खेल रही हैं। शार सिंह जी, क्या काम करते थे आप? मैं बैंक में डेवलपमेंट अफसर रिटायर हुआ है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। आपकी जीवन संगनी ने इतने मेडल जीते, किस प्रकार से आपने सहयोग किया, कैसे इनको प्रेरणा दी आपने कि खेलने जाए? इनके खेलने जाने के लिए जहाँ से भी छुट्टी इनको लेनी होती थी या इनका एडवांस लेके पैसा बाहर विदेशों तक 3 बार खिला के लाया। मैं इनको पैसा एडवांस दिया, चंडी खिलाना जाना सारे काम में करता था। इनकी सिर्फ छुट्टी थी खेलने की, ये स्टेडियम जाओ खेलो। मैं बैंक से आता था तो अपनी चाय बना के खुद पियो, इसकी जरूरत नहीं थी। इसका खेल की से डिस्टर्ब नहीं किया, पूरा सही हो गया। अभी तो खेल। अब कैसा महसूस हुआ जब आपको जब ये मेडल लेके आते थे? बहुत बढ़िया, खुश रहा करते। मैं साथ रहा करता इंडिया की टीम में। मैं बाहर विदेश में 3 बार गया हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया, इनके साथ गया हूँ। पूरी बैकअप करी हमने, खेलने में करी, पूरी मेहनत करी, पैसे लगवाए लगाए हैं, जहाँ खेल भाग दौड़ के इलाज करवाया मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल में सारा पूरा। और इलाज के बाद मैंने ये बीच में मेरा ड्रॉप हो गया क्योंकि मैं आपने एशिया में भी रिकॉर्ड बनाया। हाँ, एशिया में रिकॉर्ड हैमर में बनाया 1998 और 99 में मैं इंग्लैंड गई और 2000 में फिर ये इसमें हुए बेंगलोर हुए। फिर मैं 2004 में फिर बैंकॉक गई। अपने ये के ये मेडल सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड बरकरार रखे, खूब मेहनत करी क्योंकि प्लेयर और भी आते हैं सब, तो मेरे फर्स्ट नहीं आए पर हैमर में मेरा रिकॉर्ड बनाया, टूटा नहीं आज तक। क्या कहेंगी आप, किस तरह योग पूर्ण मिला? मैंने अपने मेरे बच्चे पढ़ा करते, मैं स्कूल में टीचर थी और ये इनके पापा जी मेरे को मना नहीं करते थे खेलने के लिए, साथ भी देते थे। सुबह साथ जाते थे, बखत जाते हम दौड़ लगाते स्टेडियम में, कोचों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। सुबह सर कोच होया करते, वो भी बहुत वो कराया करते मेहनत, कंधे मैडम खेलो खूब, मैं खूब खेली, सब कोच मेरा साथ देते थे, सब बच्चे साथ देते थे स्टेडियम में जो बच्चे होया करते, वो भी आंटी जी न्यू फेंको ये फेंको वो करो, मैंने किसी प्रकार का संकोच नहीं था खेलने में। और महिलाओं को क्या नाम आपका? राजबाला। राजबाला जी, कब से आपने, आज महिला दिवस है, क्या कहेंगी आप महिला दिवस के ऊपर? महिला दिवस के ऊपर मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके लिए हमारा खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भाग लेंगे कहीं तो हम बीमारियों से छूटे रहेंगे। मेरे को भी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी को ठीक करने की वजह ही खेल है, उस बीमारी को फैलने नहीं दिया खेल की वजह से। मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, इलाज के बाद भी मैं घूमती फिरती रही, खेलती रही, बाहर तो नहीं जा सकी, पर मैं 2 साल से खेलने भी लग गई हूँ और फिर मेरी पोजीशन स्टार्ट हो गई है। 2018 में तीसरी पोजीशन आई मेरी और अब मेरी, पहले मैं फर्स्ट आया करती, रिकॉर्ड बनाया करती, उसके बाद मैं डाउन हो गई, उसके बाद ही मैं फिर खेलने लगी हूँ। अब की बार मेरी सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन दो आई
और पहले मैं फर्स्ट आया करती थी। ये सारा खेल, ये खेल का है। शुरुआत आपने कब से की? सुन, अब दोबारा मैं पिछले साल तो गंगटू खेल हुए थे वहाँ, तो मैं गई नहीं क्योंकि इनकी आँख में को गड़बड़ हो गई तेरे अंकल की आँख में, इसलिए नहीं जा पाई। मैं को इनकी आँख की गड़बड़ छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। उससे पहले साल हम दोनों गए थे, उसमें मेरी पोजीशन थर्ड आई। फिर मैं ये सोच के आई थी अब रोज़ प्रैक्टिस करके फर्स्ट आऊँगी आगे, फिर कोशिश करती हूँ। अब उसका मैंने सफलता मिली, अब की बार मैं सेकेंड भी आई, थर्ड भी आई इस साल, और मैं फर्स्ट भी आती। ये मेरे हाथ में थोड़ी सी सोजन आ गई टिक्के की वजह से, उन टिक्का लगा देती इस हाथ का झटका लगते हैं, डर लगा मैंने, नहीं तो मैं फर्स्ट भी आती। रेमर में मेरी पोजीशन नहीं आई क्योंकि रेमर में दोनों हाथों का सहयोग चाहिए थे, एक हाथ न्यू फेंक फेंक की जान तो है ही, शरीर ये कह रहा था कि तू जीतेगी फर्स्ट आएगी, और उसमें मेरी पूरी वाह रही हिम्मत। सब ने मेरे को एक आया, अब 27 लेडीज थी अब की बार मेरे शॉर्ट पुट में, तो मेरी सेकेंड पोजिशन आई, एक मेरे से आगे रही है, मैं सेकेंड आई और बहुत बढ़िया खेली। सब ने न्यू कहा कि राजवाला फिर जीवित होगी, मको बीमारी ने मात दिया ही, मको दिया ही, क्योंकि मेरे को सब जानते हैं शुरू से खेलती हूँ। और दो ताजा दिन खेल के आए थे ये 20-30 साल, ये मन बीच में या कैंसर का जोटा बार की थी ना भाई, इमरान खान ने कैंसर को मात दे के जीते थे। इतना जुट नहीं है खेल, बाकी क्यों खबर कपड़े हिसाब से बढ़ानी है, बनाओ कपड़े वो देख भर इन थोड़े कागज चाहिए वो दे दिए, फोटो नहीं है, चलो हमारी फैमिली फोटो हो जाएगी, वीडियो बनेगी, वीडियो फोटो वीडियो बने देखो माँ को एक बार खिलाए, फिर हम खिलाए उन्हें, उम्र की इतनी थी 40 साल तो ऊपर तो न्यारी, और 40 से नीचे ही न्यारी, तो ऊपर नहीं हम थी मजीद की। शुरुआत करी 9th क्लास से शुरू किया था खेलना, 10th में खूब खेल ली, वॉलीबॉल की कैप्टन रही, हाई जंप 4 फुट 7 इंच हाई जंप करा मैंने, और शॉर्ट फुट डिस्कस से, और ये कबड्डी ये खेल खेला करती। और उसके बाद मैंने शादी होगी, शादी के बाद मैं टीचर प्रोग्राम JBT करी, JBT में भी खेल ली, उसमें मेरे साथ प्लेयर अच्छे नहीं थे, ओपन में तो आ गई पर टीम के साथ मेरा सहयोग नहीं बन पाया, और खेल के आई खूब। उसके बाद मैं दोबारा टीचर टूर्नामेंट हुए उनमें भाग लिया, 2-3 साल में फरीदाबाद भी गई, रोहतक भी गई, कुरुक्षेत्र भी गई, मैं अपनी पोजीशन सिंगल इवेंट में सब इवेंटों में मैंने भाग लिया और उनमें मेरी पोजीशन आई। उसके बाद वो टीचर टूर्नामेंट बंद हो गए, उसके बाद मैंने 95 में ये खेल हुए मास्टर एथलेटिक्स में मैंने ज्वाइन किया ये, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन, उस पहले बार तो मेरी पोजीशन नहीं आई इतनी क्योंकि इतनी तैयारी नहीं थी। उसके बाद मैं 6th, 7th, 8th दिल्ली स्टेडियम में दोनों से मैं प्रैक्टिस करी खूब, सर्विस होते होते उसके मेरी पोजीशन है 98 में जापान गई, जापान में मैंने 3 मेडल लिए, एक एमर में फर्स्ट, शॉर्ट पुट में थर्ड और डिस्कस थ्रो में सेकेंड, ये तीनों पोजीशन मेरी बरकरार रही 3-4-5-6-7 तक। उसके बाद 8-9 में तक खेली, 9 में मैं जयपुर गई थी, जयपुर के बाद मैं बीमार हो गई, कैंसर की मरीज हो गई हूँ, कि घर का काम तो सभी को होता है, घर के काम के साथ साथ खेलों में ज़रूर अच्छा लेना चाहिए, बीमारियों से दूर रहती है, आजकल बीमारियों की कोई कमी नहीं है, अनाज ऐसा है उसमें मैं भी हुई हूँ बीमार पर ठीक भी हो गई, ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी आ जाए तो जाए, सब बीमारियाँ जाती है मेहनत करने से। और मेरी बहन है मेरे से छोटी बड़ी 5 साल, अब वो खेल के आई है संतरा है दादरी, उसका घर वाला सुरेंद्र है, पोल वाल्ट में उसकी उम्र है 70 साल के करीब हो गया, 71 का 70 का, पोल वाल्ट में फर्स्ट आया है, और मेरी बहन हर्डल करती है आज 68 साल की है, मेरे से 5 साल बड़ी है, 6 साल 5 साल, और इतना हर्डल करी, उसकी वीडियो भी है आई है अखबार में भी है, बहुत अच्छा हर्डल करती है, कोई गोड्डा में दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, दोनों वैग जाते हैं, हम भी जाते हैं, और भी प्लेयर दादरी की बहुत जाती हैं। जब आपने शुरुआत की थी मेरे पिताजी खुश रहा करते, कहते बेटी खेलो खूब खेलो, और खूब खेलोगी तो ठीक रहोगी, क्योंकि वो वॉलीबॉल खिलाने स्कूल में कई बार जाया भी करते थे, वो भी टीचर थे, जाते थे बताते थे। मेरी बड़ी बहन भी इतनी तो नहीं थी पर वो भी खेल लिया करती, मेरे से छोटे वाली अच्छी प्लेयर बनी, पापा जी का साथ रंधा हमारे साथ। जो आपको बीमारी लग, मेरे को पता तो लग गया, मेरे बड़े बेटे की शादी थी, छोटी सी गांठ मन में महसूस हुई पर मैंने उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं खेलती रही, उसको मैं देख लेती भाई छोटी सी गांठ है पर माँ को हो गया होगा। उसके बाद ये मेरी बड़ी बहू ने बोली मम्मी इसको दिखाओ इस गांठ को आप, वो दिखाई तो ये डॉक्टर है
यादव इसके गई थी, इसने चेक करी, उन्हें बोला कि मैडम ये तो आपको कैंसर है, आपको कैसे कैंसर हो गई। दो एक और यादव AEO होया करता, जो मैंने टीचर थी जब ले जाया करता खेलना, वो नहीं बोला, वो बैठा था पास में उसके उस समय, नहीं बोला कोई मैडम आई थी लंबी सी, उसको तो कैंसर है, वो नहीं बोला राजवाला नाम है उसका, नहीं बोला वो राजवाला नहीं हो सकती बीमार, क्योंकि अभी मैंने गोला ही नहीं इस चीज़ तरफ। फिर उसने यादव ने, मैं अकेली गई थी पूछने, यादव ने मेरे को बता दिया, मैं घर आ गया अगले दिन सुबह सुबह कर ली इन द मॉर्निंग राजीव गांधी ले गई। कितना समय आपका इलाज चला, किस प्रकार से आपने कैंसर से जीत हासिल करी? मैं उनने मेरी कीमो करी और ये शेक लगाए, सब कुछ करा, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मरूंगी, मैंने सोचा कोई बात ना हो जाएगी ठीक, कभी ये ख्याल ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं रखा कभी भी, सारे इलाज हुए उसके बाद मैं फिर ठीक होगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं मरूंगी। अपने मतलब हौसला पूरा था, घर परिवार का साथ भी था, मेरे बच्चे भी मतलब बहू भी आ गई, दो बहुएँ आ गई, एक बाद में एक इस लड़के ही बाद में शादी करी, एक की पहली होगी थी, वो बहू भी साथ दिया करती, आपको बात ना मम्मी ठीक हो जाओगे, सुनती तो थी मैं कि मर जाते हैं कैंसर में, फिर मुझको चलो जितने सांस उतने जीना, मरांगे तो मरांगे, जीवांगे तो जीवांगे, फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। बाद में बीच में तो नहीं कर पाई, 5-7 साल डरती मैं जाने कभी कैंसर हो जाए खेल लेते भाई, क्योंकि आतूती लावेगी, ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा था। तो अब ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.